सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड फॉर स्पीड अनबाउंड के बारे में। जैसे कि जानते हैं ये गेम 3 दिन के लिए फ्री हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं तुम्हारे लिए इस बारे में वीडियो बनाया जाए और अपडेट किया जाए कि तुम भी इस गेम के मजे उठा सकते हो। फ्री का लुत्फ मिल रहा है, तुम क्यों नहीं उठा रहे? तो जाओ भाई उठाओ और फ्री का लुत्फ। ऐसे नहीं कि जैसे तुम भागे हुए जाओ और ले उठा लो। जस्ट मैंने कुछ प्रोसीजर बताया है, इसे फॉलो करो और फिर तुम जाके नीड फॉर स्पीड अनबाउंड को खेल सकते हो। जैसा कि तुम गेम प्ले में देख ही सकते हो भाई, ग्राफिक्स कितने तगड़े हैं। और कोई भी हाई एंड ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम तुम ना खेलो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें खेलने का मौका ना दिया जाए, ये तो ना इंसाफी रहेगी ना यार। सो तुम्हें खेलने का पूरा पूरा मौका दे रहे हैं हम। और हम क्या दे रहे हैं, एक्चुअली में स्टीम दे रहा है, बट तरीका हम दे रहे हैं, तो इसमें क्रेडिट हमें भी जाता है, थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी जाता है। सो ये वीडियो पे अगर तुमने क्लिक कर दिया है तो पूरा देख के जाना, स्किप मत करना यार। स्किप कर देते हो ऑडियंस रिटेंशन टाइम की माँ की आँख हो जाती है, तो यूट्यूब सोचता है कि देखो दल्ला आदमी है, इसकी हम वीडियो आगे रिकमेंड नहीं करनी चाहिए और वो आगे ग्रो भी नहीं होता है फिर चैनल। तो भाई की मेहनत थोड़ी सी भी अप्रिशिएट करनी है तो कर देना पूरी देख के, और सब्सक्राइब भी कर देना, अप्रिसिएशन में बहुत बड़ा योगदान रहेगा तुम्हारा। सो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खोल लेना है अपना स्टीम अकाउंट को, देख लॉगिन कर लेना है। तुम्हें स्टीम अकाउंट तुम कोई भी कर सकते हो, तुम ब्राउजर से भी देख सकते हो और वैसे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और देन तुम्हें सर्च करना है नीड फॉर स्पीड अनबाउंड। तुम नीड फॉर स्पीड अनबाउंड करके सर्च कर सकते हो, तुम्हें पहली बारी में मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा होगा 3 दिन के लिए फ्री चल रहा है। अब मैंने तो ये विश लिस्ट में ऐड करा हुआ है, तो मैं विश लिस्ट में ऐड कर डायरेक्टली इसे ऑन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। विशलिस्ट से मेरी लाइब्रेरी में भी अटैच हो गया होगा, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टॉल करने की नाकामयाब कोशिश करी थी, बट ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज मैं कर नहीं पाया था। तो ये डायरेक्टली मेरी लाइब्रेरी में आ चुका है। और 3 दिन, एक आज का दिन इंक्लूड कर लूँ तो आज कल परसों 3 दिन के लिए फ्री है, तो तुम इसे 3 दिन खेल सकते हो। 3 दिन में अगर तुम कोई हार्डकोर गेमर हो तो तुम इसे फिनिश भी कर सकते हो भाई। हार्डकोर गेमर्स के लिए कुछ भी कम नहीं होता। देखो मैं दिखा देता हूँ कहाँ नीड फॉर स्पीड अनबाउंड कहाँ गया, यहीं तो इंस्टॉल किया था मैंने। ये देखो ये रहा इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, देख इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। डायरेक्टली तुम चाहो तो कोई और चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। ये चलेगा कैसे, ये स्टीम से तुम्हारा मेन गेम डाउनलोड होगा, इसे चलाने के लिए तुम्हें अलग से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा तो वो मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा। तो बस ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसे डाउनलोडिंग चलने देते हैं और फिनिश होने के बाद मिलते हैं। सो भाई ये देख सकते हो नीड फॉर स्पीड अनबाउंड पूरी तरीके से डाउनलोड हो चुकी है। और प्ले के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का लॉन्चर डाउनलोड होता है, और लॉन्चर डाउनलोड होते ही तुम्हें इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने देना है, मतलब ये खुद इंस्टॉल करेगा, तुम्हें पूछेगा नहीं ज़्यादा कि मैं इंस्टॉल करना कि नहीं करना, तुम्हें बस लेट्स गो कर देना है। देन ये लॉन्चर डाउनलोड होकर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तुम्हें इसमें करना है लॉग इन। अब वो लॉग इन कैसे करना है, थोड़ा ये प्रोसेस खत्म हो, लॉग डाउनलोडिंग पूरी हो उसकी, टेंशन मतलब ये डाउनलोडिंग बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी अगर तुम्हारा इंटरनेट का स्पीड फास्ट है, और अगर स्लो है तो भी तुम्हारी 5 मिनट में हो जाएगी, तो उतना पूरा हालात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम किसी इंटरनेट स्पीड को यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 5 मिनट में हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का ये ऐप इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने देना, तुम्हें किसी को छेड़छाड़ नहीं देने, कोई उंगल नहीं देनी है। देन ये प्ले के बटन पर क्लिक करना है तुम्हें एक बार, तुम्हें देख लेना है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का ये खुल गया है, ठीक है। देन तुम याद रखना, तुम्हें इस आईडी को यहाँ पे लिखा है टू कंटिन्यू लिंक योर ईए अकाउंट हेड बैक, तो तुम्हें ये अकाउंट को लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें लॉग इन करो। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की आईडी नहीं है तो बना लो, फ्री में ही बनती है, पैसा नहीं देना होता इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की एक आईडी बना लो और फिर उसमें लिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो तुम्हें उससे लिंक करना पड़ेगा इसको अपने स्टीम के अकाउंट को। वो कैसे होगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देन इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को खोल लेते हैं। देन जब इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में तुम अकाउंट बना लो, अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपना यहाँ पे लॉगिन मार लेना है फटाक से। लॉग में भी लॉगिन मार लेता हूँ। लॉगिन मारने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, क्योंकि तुम्हारे गेम को लोड होना जरूरी है, तुम्हारे एप्लीकेशन लोडिंग में थोड़ा टाइम लेते ही लेते हैं। देन तुम्हें एक बार फिर प्ले के बटन पर क्लिक करना है और तुम्हें देखना है यहाँ पे लाइब्रेरी में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है तुम्हारा गेम। जैसे मेरी तरह अगर तुम्हारा भी लाइब्रेरी में नहीं दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या चक्कर चला है कि एक्चुअली में तुमने इसमें लिंक नहीं किया हुआ है अपना स्टीम का अकाउंट। तुम्हें स्टीम के अकाउंट को अपने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के अकाउंट के साथ लिंक करना है। अब वो कैसे होगा, तुमने अगर तुमने पहले से लिंक कर रखा है तो तुम्हें उसे फिर लॉगिन कर देना है यहाँ पे, और अगर लिंक नहीं किया है तो तुम्हें कैसे आगे करना है तुम्हें वो बता देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे जाना है, अपना सेटिंग्स अनेबल करना है। सेटिंग में यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन नहीं, यहाँ देखता हूँ यहाँ कुछ है क्या, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है। माय अकाउंट पे जाना है, माय अकाउंट में जाके तुम्हें मैनेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये रहा मैनेज, हाँ मैनेज पे ही क्लिक करना है तुम्हें, कंफर्म हो गया मुझे भी। देन तुम्हें इस पेज पे लेके आ जाएगा, अगर लॉगिन मानता है तो माँ यहाँ पे भी लॉगिन कर देना अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की आईडी से, और टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन वगैरह एनेबल कर लेना, क्योंकि सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे भी ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की आईडी हैक हो गई थी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। देन चेक कर लेते हैं इसमें हम क्या ऑप्शन है, बाकी सब तो ठीक है। देन तुम्हें फटाफट यहाँ पे नीचे आ जाना है कनेक्शंस वाले पेज पे।
देन तुम्हें कनेक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा स्टीम के लिंक के बटन पे क्लिक करना है और देन तुम्हारा ये तुम्हें पहले तुम्हें कंफर्म करेगा, तो तुम्हें खुद को पहले यहाँ से कनेक्ट करना कंफर्म करना है। तो मैं ओटीपी वगैरह मंगा लेता हूँ फटाफट और अपना लॉगिन कंफर्म करता हूँ यहाँ से एक और बार, फटाफट लॉगिन हो जाए। सो देख सकते हो भाई ओटीपी आ चुका, मेरा लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद ये तुम्हें स्टीम की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा और स्टीम की वेबसाइट पे तुम्हें अपना आईडी और पासवर्ड डाल देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद तुम्हें अपना स्टीम में अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर रखा है तो उसे भी अलाउ कर देना, तो वो कनेक्ट होकर अलाउ हो जाएगा। देन यहाँ पे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स यूजिंग योर स्टीम अकाउंट, तो तुम्हें परमिशन मांगेगा स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स परमिशन मांगेगा, क्या तुम इसे यूज करने की परमिशन देते हो, अलाउ या नहीं, हाँ या ना। तो अलाउ कर देना, ऑफकोर्स हम देते हैं, तो अलाउ कर दोगे तो तुम्हें ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारे गेम में कहीं चले जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही ट्रस्टेड कंपनियां हैं और दोनों का आपस में तालमेल बहुत तगड़ा है। तो अलाउ के बटन पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अलाउ के बाद तुम्हारी ये जो गेम होगी, सॉरी मेरा मतलब तुम्हारा स्टीम का अकाउंट है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा और लिंक करने के बाद तुम्हें वो गेम ऑटोमेटिकली उसकी लाइब्रेरी में दिख जाएगा। तो मैं फटाफट यहाँ से अलाउ करता हूँ और देख रहा हूँ अकाउंट लिंक्ड फाउंड यहाँ पे लिखा है। तो अकाउंट लिंक होने के बाद तुम्हें क्या करेगा देखो, देन अकाउंट लिंक करने के बाद तुम्हें प्ले के बटन पे एक बार फिर क्लिक करना है और तुम्हारा दोबारा से ही खुलेगा। देन अकाउंट लिंक करने के बाद तुम्हें शायद से हो सका एक बार फिर लॉगिन मांग ले, तो लॉगिन मांगता है तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अकाउंट को दोबारा कन्फर्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसकी भी। कभी कभार दो तीन बार भी मांग लेता है ऐसा, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर इनके साथ, इनके सर्वर के साथ कुछ इशू है क्या है, कुछ कह नहीं सकता मैं। वेल, जैसे तुम लॉगिन कर लोगे तुम्हारा उसी आईडी के साथ उसी आईडी के इंस्टॉल्ड गेम्स में तुम्हें यहाँ पे नीड फॉर स्पीड अनबाउंड देखने को मिलेगा इंस्टॉल वाले ऑप्शन में। और ये देखो तुम्हारी लाइब्रेरी में ऊपर देखो स्टीम का लोगो बना हुआ है और नीचे गेम इंस्टॉल्ड है अनबाउंड, नीड फॉर स्पीड अनबाउंड। तो तुम्हें इसमें प्ले के बटन पे बस क्लिक करना है एक बार और देन अगेन तुम्हारा फिर से कोई चेकिंग होगा, चेकिंग कन्फर्म होने के बाद तुम्हारा गेम लॉन्च हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सा पेशेंट रखना है, मतलब शांति बनाए रखनी है। ये मिनिमाइज हो गया मतलब समझ जाओ तुम्हारा गेम वर्किंग होगा, अब गेम चलेगा भाई, तुम्हें खेलने को मिलेगा गेम फाइनली, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। सो वेल, ये देखो भाई गेम स्टार्ट हो चुकी, गेम चली है, तो तुम भी इस तरीके से मजे ले सकते हो। वेल, हम भी थोड़ा सा मजे लेते हैं, देखते हैं गेम किस टाइप का, क्या क्या ग्राफिक्स है, क्या देखने को मिलता है इसमें। लेट्स सी व्हाट आई गेट, आफ्टर ऑल 3 बजे तक जग रहा हूँ, कुछ तो अच्छा देना चाहिए, है नहीं। एक्सेसिंग स्टीम कम्युनिटी, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की भी कम्युनिटी एक्सेस करने कह रहा, मैं नहीं कर रहा भैया। तो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है और गेम स्टार्ट हो चुकी है। तुम देख सकते हो भाई कितने तगड़े विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक आ रहे हैं कहीं तो बोले तो। ओहो, ये तो कमाल की चीज़ है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसकी कार्स के ग्राफिक्स इसमें रियलिस्टिक हैं लेकिन कैरेक्टर एनिमेटेड बना रखे हैं, गुड। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है शायद से इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स में, इसमें मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी पसंद आया ये, कुछ नया कंसेप्ट है मेरे हिसाब से तो। वेल, तो देख सकते क्वालिटी, देख सकते हो हाई क्वालिटी, हाई एंड ग्राफिक्स, फन, मजे। तो मैं जरा मास्टर वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ, मुझे पता चला कि कॉपीराइट आ गया तो मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ जाएगी। तो ऑडियो ठीक है, क्रेडिट, बाकी ग्राफिक्स भी चेक कर लेते हैं एक बार, ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं। मोशन ब्लर 1920x1080p पे खेल रहा हूँ, ठीक है, 60fps ही सपोर्ट करता है, लॉक्ड है बाकी सब, पता नहीं क्यों फ्रेम रेट लॉक्ड है इसमें, चक्कर क्या है मुझे नहीं पता, कैसे मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। 30-60 उससे ऊपर का ऑप्शन नहीं है, चल छोड़ मैं बाद में निपट लूँगा कैसे करना है इसे। अप सैम्पलर प्रेजेंट, बाकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ इनका ऑन है। लो, मैं अल्ट्रा पे खेलना पसंद करूँगा भाई, हाई अल्ट्रा, ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा है, ऐसा थोड़ी ना। देन बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं, बाकी मैंने अल्ट्रा अल्ट्रा कर रखा है। तो निकलते हैं यहाँ से, कौन कौन से मोड है, स्टोरी चलते हैं यार, ऑनलाइन तो क्या ही लेंगे। कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला नहीं, ये सही नहीं लग रहा, ये तो मुश्कंडा है, ये चुनते हैं, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर, इसलिए चुन रहे हैं हम। कस्टमाइज करें क्या, नहीं बाद में कर लेंगे। डॉज चार्जर 69 मेरे को पसंद है काफ़ी, लेकिन बाकी भी अच्छी लग रही है, बट डॉज चार्जर की बात ही अलग है यार। डॉज चार्जर 69 मेरी फेवरेट कार है, उसको लेते हैं सिलेक्ट। ए, इस कार को रिस्टोर करते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या हासिल होता है। भाई ग्राफिक्स कितने रियलिस्टिक बनाए हैं इन्होंने, ये तो कमाल की चीज है भाई।
ग्राफिक्स भी काफी रियलिस्टिक बनाए हैं, काफी क्लोज टू रियलिटी आ रहे हैं धीरे धीरे। नीड फॉर स्पीड वाले इंप्रूव कर रहे हैं खुद को। ये हमारी रिस्टोर करी हुई डॉज चार्जर क्या गाड़ी है भाई, मैंने तो इमेजिन ही नहीं करा था भाई, डॉज चार्जर बहुत बढ़िया गाड़ी है, एकदम दिल खुश हो गया इसे देख के तो। भाई बहुत बढ़िया अपीरेंस है भाई, कार का डिजाइन और डायनेमिक्स कमाल के दिखाए हैं, और कलर कितना सुंदर है भाई ये। खैर अभी फोकस करते हैं गाड़ी दौड़ाने पे, चलो रफ्तार कैसे बढ़ाता है। अरे नहीं नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना, बच गई। अच्छा ए से चल फिर बढ़ा फुल स्पीड। अभी थोड़ा कंट्रोल करना, मैं सीख रहा हूँ कैसे होगा ये, मैं आउट ऑफ रोड चला गया यार। रफ्तार बेड़ा बूस्टर देना, ये बात ड्रिफ्टिंग कैसे मरती है। अच्छा इससे इधर से ड्रिफ्टिंग मारेगा शायद से, ओके ये तो काफी कूल है, काफी फन है इसमें। बाकी ग्राफिक्स क्वालिटी भाई बहुत तगड़ी, मुझे तो मजा आ रहा है खेलने में, बाकी तुम भी इंजॉय करो मैं चाहता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, और भाई की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर देना, और दिल बने शायद दिल बने तुम्हारा तो शेयर कर देना अपने किसी दोस्त के साथ, और नहीं भी करना चाहते हो बस लिंक कॉपी कर लेना, एल्गोरिथम का लगेगा कि बहुत बढ़िया बंदे ने लिंक कॉपी कर लिया, कहीं ना कहीं तो शेयर करेगा ही, तो वो सोचेगा कि तुम एक बढ़िया इंसान हो, तो एक बढ़िया इंसान बनो और वो लिंक कॉपी कर लो इंक्लूडिंग लाइक एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं भाई आने वाली वीडियो में या फिर शाम की लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए सी यू एंड सायोनारा, एंड जाते जाते भाई को अप्रिशिएट करते हुए जाना, ठीक है भाई 3 बज रहे हैं, व्हाई नॉट, इतना तो डिजर्व करता हूँ ना, चल मिलते हैं भाई।